हेलो, मैं कृष्णा फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूं और अपनी बातें भी उसमें जोड़ दूंगा। एक बार एक व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, ईश्वर को बहुत मानने वाला व्यक्ति था। कुछ भी कठिनाई होती थी भगवान से मांगता था, उसको मिल जाता था। एक ऐसा समय आया, मांगना तो उसने जारी रखा, वो मांगने का धन्यवाद नहीं करता था। भगवान को भी लगा कि यार देता जा रहा हूं, ये ना तो थैंकफुल फील करता है, पता नहीं इसको ये भी लगता है कि नहीं लगता है कि मैंने दिया है। तो उनको लगता है एक परीक्षा लेते हैं इसकी। उन्होंने परीक्षा उसकी लेनी शुरू की। अब जो मांगे उसका पूरा ही ना हो, ये मांगा वो नहीं दिया, वो मांगा वो नहीं दिया। एक दिन आ गया लड़ाई करने के मूड में, अन्न जल छोड़ करके, खाना पीना छोड़ के वो तुल गया कि आप लड़ाई करेंगे, अगर मेरी बात नहीं मानी गई भगवान देख लो आपके सामने आपके चरणों में शरीर छोड़ दूंगा बिना खाए पिए। कई दिन गुजरते रहे, उसका नाटक चलता रहा, सच में नहीं खाए, सच में नहीं पानी पिए। भगवान का प्रिय भक्त, भगवान को पसंद भी था, मगर उनको लगता था चलो मजे ले लेते हैं, थोड़ा सा परीक्षा ले लेते हैं, अपना ही बच्चा है। अंत में भगवान भी थोड़े से कमजोर से पड़ गए। वो आ गए उसके सामने, कंधे पे हाथ रखा, बोला बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा इतना परेशान था, इतने दिनों से मैंने ये कर रखा था, आप मेरे पास आए ही नहीं। काफी कंप्लेन किया, काफी शिकायतें। उन्होंने बोला ठीक है, अब तो आ गया हूं, आप बताओ चाहिए क्या तुमको। उसने कहा कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, मुझे यहां दिक्कत आ रही है, वहां दिक्कत आ रही है, मेरी कीमत नहीं मिल रही, मैंने इतना मेहनत किया है, मुझे उस प्रोजेक्ट में काम किया मैंने, उसका रिजल्ट नहीं मिला, यहां मैंने इन्वेस्ट किया उसमें मुझे नुकसान हो गया, आप कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो। भगवान ने कहा चल ठीक है, बात मान ली कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं, मगर जो दिया है वो भी ले लूंगा तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मगर मैं ले नहीं रहा तुझसे, बस एक बात बता कि मैं एक चीज तुझे देता हूं, इस चीज को लेकर तुम बाजार में घूम के आओ, दिन भर घूमना, शाम को आना, मैं यहीं मिल जाऊंगा, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस मुझे उसकी कीमत बता देना, उसकी कीमत कितनी है। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी दो, अभी पता के लगा के आता हूं। भगवान ने अपने जेब में से निकाला एक पत्थर, उसको कहा जाओ अब इसको जाकर के बाजार में इसकी कीमत पता करके आओ। वो निकल गया भगवान की बात मान के, मगर उन्होंने एक कंडीशन रखा, इसको बेचना नहीं, कुछ भी हो जाए इसको सेल करके मत आना, वापस लेकर के यही आना। उसने कहा ठीक है भगवान, आपने यदि कहा है तो आपकी बात बिल्कुल मानी जाएगी, इसको मैं दिन भर कोशिश करूंगा, इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रेट होगा वो मैं निकालने की इसकी कोशिश करूंगा, आपकी आज्ञा मैं मानूंगा। वो निकला बाहर, सबसे उसको लगा शुरुआत कर देते हैं, शुरुआत करने में क्या जाता है रेट पूछने का। सबसे घर के बाहर उसको एक सब्जी वाला मिला, उसने सब्जी वाले को दिखाया कि भाई देखो ये पत्थर है मेरे पास, इसकी क्या कीमत होगी। उसने कहा छोटा सा पत्थर, इसकी क्या कीमत होगी, कुछ सब्जियां ले लो इसमें से, कुछ सब्जी ले लेना, 2 किलो 4 किलो सब्जी ले लो, और क्या दूं इसकी कीमत, मेरे लिए तो इसकी कोई कीमत नहीं है, तुम आए हो इसलिए मैं इसकी कीमत भी दे रहा हूं, नहीं तो मेरे लिए इसकी तो कोई कीमत नहीं है। उसने कहा चलो ठीक है भाई, मुझे बेचना नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही जानना चाहता था कितना मिल सकता है इसका। अगली जगह जाता है, एक परचून की दुकान में जाता है, उसके पास दिखाता है, वो थोड़ा समझदार आदमी था, उसने देख के कहा लगा पत्थर है तो बड़ा साफ सुथरा, कीमती भी लग रहा है, चलो मैं इसके बदले तुमको 10 किलो आटा दे दूंगा। उसने कहा अच्छा, उसने बोला कि नहीं मैं बेचूंगा नहीं। उसने कहा अच्छा कुछ और ले लो, दाल भी ले लो, 2 किलो दाल भी ले जाना। उसने कहा नहीं मुझे बेचना नहीं है, मैं तो सिर्फ इसका अंदाजा लगा रहा था क्या कीमत होगी इसकी। उसने कहा मजे लेने के लिए मैं ही मिला था। गुस्सा हुआ दुकानदार, वो बाहर निकल आया। दिन भर भटकते भटकते इसी तरह से भटकता रहा, शाम तक एक सुनार के दुकान पे पहुंचा जो कि सोना बेचता था। जैसे वो सुनार के दुकान पे गया, सुनार से उसने बोला कि ये पत्थर है मेरे पास, इसकी कीमत बता दीजिए, या बता दीजिए इसके बदले आप मुझे क्या दे सकते हैं। सुनार की आंखें खुल गई, उसने कहा तुम्हें कहां से मिला। उसने बोला यह मुद्दा नहीं है, इसकी कीमत बताएं आप। उसने कहा मैं तुमको इसके बदले में 50,000 रुपए दूंगा। उसने कहा मुझे बेचना नहीं है, मैं तो सिर्फ कीमत जान रहा था। उसने कहा कि वो ना हो बार्गेनिंग करना चाह रहा है। उसने कहा 1 लाख ले लेना। उसने कहा नहीं भाई मुझे नहीं बेचना है। उसने अंत में परेशान होकर कहा 10 लाख रुपए दे दूंगा, अंतिम कीमत बता रहा हूं, 10 लाख रुपए में इसको छोड़ जाओ मेरे पास, ये कीमती पत्थर लग रहा है मुझे। उसने कहा नहीं मैं नहीं बेच पाऊंगा इसे, बस मैं रेट जानना चाहता था। उसको लगा घर लौट जाता हूं। रास्ते में उसको याद आया कि बाजार में ही एक हीरे का व्यापारी भी है, क्यों ना उससे भी पूछ लिया जाए, भगवान है ही घर में बैठे हुए, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने जा रहे हैं।
रेट पता कर लेता हूं, क्या पता इससे ज्यादा रेट को देने को रेडी हो जाए। हीरे के व्यापारी के पास गया, उसके हाथ में पत्थर दिया, उसने कहा यह पत्थर तुम्हें लौटा नहीं पाऊंगा। उसने कहा नहीं, मैं ये पत्थर लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये पत्थर मेरा नहीं है, किसी ने मुझे दिया है, सिर्फ कीमत जाननी है। उसने बोला इसकी कोई कीमत ही नहीं है, तुम जो बोलो उतना मैं इसको देने को तैयार हूं, मेरा सारा साम्राज्य ले लो, सारा दुकान ले लो, फिर भी इसकी कीमत पूरी नहीं कर पाऊंगा, इतना बहुमूल्य रत्न पता नहीं तुम्हें कहां से मिला है मगर बहुत कीमती है। उसने कहा मुझे वापस कर दो, मेरा नहीं है। उसने कहा बड़े ईमानदार हो भाई, इतना कुछ दे रहा हूं फिर भी तुम इसको वापस करने को तैयार हो। उसने बोला जिसका है ना उसके उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। उसके हाथ में वापस कर देता है वो सेठ, और वो घर आ जाता है, भगवान को बताता है पूरी कहानी क्या क्या हुआ उसको सुबह से लेकर शाम तक। अंत में वो भी बताता है कि उसको इतना मिल रहा था कि वो घर नहीं आता तो भी उसका गुजारा चल जाता। भगवान ने कहा कि पत्थर मुझे वापस करो, मैं पत्थर तुम्हें बेचने नहीं या देने नहीं आया था, ये पत्थर तो मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें दिखाने के लिए लाया था कि तुम अपनी कीमत समझो। तुम यदि सब्जी वाले के पास जाओगे तुम्हारी कीमत सब्जी की है, और तुम यदि व्यापारी हीरे के व्यापारी के पास जाओगे तो तुम्हारी कीमत हीरे की है, और तुम बहुमूल्य रत्नों के समझदार के पास जाओगे तो उसको समझ है कि उसकी कीमत क्या है। तुम अपनी कीमत ही गलत जगह लगा रहे हो, तुमने अपना आंकलन ही गलत जगह करवाया है, इसलिए तुम निराश हो, फ्रस्ट्रेट हो, बार बार मुझसे मांगते हो। जिस दिन तुमने सही जगह सही व्यक्ति सही सिचुएशन में पहुंच गए ना, उस दिन तुम्हें शिकायत नहीं रहेगी कि मैंने तुमको नहीं दिया या मैं तुमको कम देता हूं। अपनी कीमत पहचानिए, हम सभी की कुछ इतनी कीमत है जिसकी कीमत हम नहीं जानते। आप जहां होंगे वहां पर हो सकता है आपको कीमत ना मिल रही हो। जगह बदल दीजिए, माहौल बदल दीजिए, लोग बदल दीजिए, आपके हाथ में है वो सब, मेरे हाथ में है, मैं कैसे करूंगा अपनी जिंदगी का निर्णय। कंफर्ट जोन में रहना है, कंफर्ट जोन में पड़े रहिए, वही सब्जी की कीमत मिलेगी आपको। थोड़ा सा रिस्क लेकर देखिए, क्या पता चीजें बदल जाएं, बिगड़ सकती हैं, ये भी हो सकता है, मगर बिगड़ने के ना बिगड़े इसके लिए अपना बर्बाद कर दे, विनाश कर दे, उससे अच्छा है थोड़ी बिगड़ ही जाए। क्या पता एक रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क लेने की जगह एक रिस्क लेकर देखें। बहुत कैलकुलेशन कर लिया ना जिंदगी में, कुछ इस तरह का भी करके देखते हैं। मेरे एक फ्रेंड है जो साउथ से हैं, उनको हिंदी नहीं आती या अच्छी हिंदी नहीं आती। जब भी मिलेंगे मुझसे, पहला ला काम जो भी कुछ करना शुरू करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे मुझे हिंदी बड़ी कमजोर है, मुझे हिंदी नहीं आता। ये शिकायत उन्होंने, मुझे लगता है कम से कम मैं उनको 6-7 साल से जानता हूं, 6-7 साल से शिकायत कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोशिश की होती इन 6-7 सालों में ही सिर्फ अपनी हिंदी सुधार लेने की, तो क्या आपको लगता है जो उनकी हिंदी सुधरी हुई नहीं रहती? रहती ना, सिंपल से बात है। अगर वो 7 साल रोज से 10 मिनट अपनी हिंदी सुधारने पर कोशिश करते, या रोज हफ्ते में या महीने में सिर्फ एक सेंटेंस नया सीख करके, नया शब्द सीख करके उसको रोज अपनी जिंदगी में बढ़ाते चले जाते, तो आज वो 7-8 साल बाद मुझे ये कंप्लेन नहीं करते कि यार मेरी हिंदी ठीक नहीं। कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज आप सीख सकते हैं यदि आप चाह रहे हैं। अब अपने अपनी कीमत आप बढ़ा सकते हैं यदि आप चाह लें। समय तो आप सबके पास है, हम सबके पास एक बराबर घंटे हैं। उसी घंटे में कोई आदमी 500 रुपए कमा रहा होता है, कोई आदमी 5,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा होता है, कोई करोड़ों में कमा रहा होता है। ऐसे ऐसे एग्जांपल है ना, सुने होंगे आपने, गूगल का सीईओ को करोड़ों में पैसे रुपए मिलते हैं, करोड़ों में, और आप और हमें हजारों में, लाखों में, क्या अंतर है? उसके पास क्या अलग से समय आ रहा है क्या? वही समय है ना, वही रिसोर्स होंगे जो हम लोगों के पास, वही बुक्स पढ़ी होंगी, मगर उसने उन चीजों का, उन रिसोर्सेस का, उन ज्ञान का सही ढंग से प्रयोग करके सही जगह प्रयोग किया और आज उसको उतना कमा पा रहा है। वही पत्थर वाली स्थिति है। आप यदि उसको छोटे से व्यक्ति के पास ले जाएंगे जिसको कि उसकी समझ नहीं है, तो आपको उतना ही देगा जो जितनी उसकी औकात होगी। आपको अपनी औकात पहचाननी पड़ेगी, आप अपने आप को पहचानना पड़ेगा। यदि आपको ऊपर उठना है, बड़ा होना है, सक्सेसफुल होना है, अमीर होना है, तो आपको बदलना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा यह सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।